फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम दाल खाते खाते ऊब जाते हैं और मॉर्निंग में हमें समझ में भी नहीं आता है कि क्या नाश्ता बनाएं, तो अक्सर चने के, मूंग दाल के नाश्ते या बेसन के हम बना लेते हैं। पर आज मैं सोच रही हूँ कि मसूर दाल की एक बहुत टेस्टी रेसिपी आपको बना के खिलाऊँ, जिसमें हम थोड़ा सा चीज़ का भी इस्तेमाल करेंगे और उसे मैं अपम पैन में बनाऊंगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बनाने के लिए पहले ही इसे हमें भिगोना पड़ेगा 2 से 3 घंटे। अगर आपके पास समय ना हो तो आप इसे फौरन गर्म पानी में डालिए, 15 से 20 मिनट के अंदर दाल फूल जाएगी। उसके बाद हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। आइए हम लहसुन की चटनी बनाते हैं। हरे लहसुन है, 3 पेड़ मैंने हरे लहसुन के लिए हैं और उन्हें मैंने अच्छे से धुल लिया है। इन्हें हम अपने ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। अदरक डाल रहे हैं थोड़ी सी, 2 मिर्चें, अगर आप तीखी खाना चाहते हो तो और ज़्यादा डाल सकते हैं, मिर्च काफ़ी तीखी है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर कोरिएंडर लीव्स डालूंगी, कट करके रखा है, और नमक डाल दे रहे हैं स्वादानुसार। मैं सरसों का तेल डालूंगी जिससे चटनी का फ्लेवर काफ़ी अच्छा होगा। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो मत डालिएगा, इसे थोड़ा सा पानी डालकर पीस लीजिएगा। 2 टमाटर हरे कच्चे, इसे मैं डाल दे रही हूँ। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट होगी। इसे हम मसूर के बोंडे के साथ बनाएंगे। 1 कप मसूर देखिए मैंने धुल कर भिगो लिया है था और उसे मैंने पेस्ट कर दिया है। और इसे, इसका कलर देखिए कितना यूनिक है, थोड़ा सा पानी डालते हुए मैंने पीसा था। इसके अंदर हम सोया लीव्स डालेंगे, आप चाहें तो धनिया लीव्स भी डाल सकती हैं। थोड़ा सा मैं ग्रीन ओनियन डालूंगी और बहुत ही टेस्टी ये पकोड़े बनके तैयार होंगे। एक बार अगर आप इस तरह के पकोड़े बनाएंगे या ये नाश्ते की ब्रेकफास्ट रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ये जो पकोड़ा है इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जो मैंने मिर्च काट रखी थी उसे मैंने डाल दिया चटनी में, तो हम इस तरह से मिर्च को तोड़ लेंगे। थोड़ा सा अदरक भी हम इसके अंदर डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालिएगा। ये हमारा जिंजर का कट है, यानी जो जिंजर मैंने कहा था कटिंग करके। थोड़ी सी हम हींग डालेंगे, अगर आप हींग पसंद करते हो तो हींग डाल दीजिएगा, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून गरम मसाले, अगर आपके पास गरम मसाले ना हो तो आप चाट मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं या अपने करी पाउडर का। इस तरह से हम इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ऑयल डाल दे रही हूँ। हम ऑयल लगा ले रहे हैं फटाफट इसके अंदर। इस तरह से आप ऑयल लगा दीजिए और अब हम पैन के अंदर बैटर डालेंगे। इस तरह से पूरे पैन में बैटर डालेंगे। अगर आप इसे कढ़ाई में डीप फ्राई करेंगे तो इतना हेल्दी नाश्ता नहीं होगा, और आप चाहें तो इससे सब्जी भी बना सकते हैं। वो भी तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी कि इसकी सब्जी कैसे बनाई जाए। प्रोटीन से भरपूर है एकदम, इसमें सब्जियां भी हैं, दालें भी हैं। आप इसे चावल, पूरी, पराठा के साथ भी खा सकते हैं इसकी सब्जी। थोड़ा सा लूज करना होगा और लूज करते हुए हमें इन्हें पलट लेना है। अब
हमें इन्हें धीमे धीमे लूज कर लेना है, और लूज करके इस तरह से आप चाहें तो इसे पलट दें, तो ये दूसरी तरफ से भी काफी क्रिस्पी हो जाएगा इस तरह से करते हुए। और गैस की स्विच ऑफ कर दीजिए पलट के तुरंत, ताकि ये अपनी जो हमारी ये गरम है उसी से हो जाएगा, यानी जो पैन हमारा गरम है उससे हो जाए। अब ये दूसरी तरफ से भी क्रिस्पी हो गया है, हम फटाफट इन्हें निकाल लेंगे। देख रहे हैं इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। अगर आपको चीज अंदर डालना हो तो आप थोड़ा सा बैटर डालने के बाद अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि बैटर मैंने पूरा फिल कर दिया था तो इस तरह हम अंदर नहीं डाल पाए। बहुत ही टेस्टी चीज वाला नाश्ता बन जाएगा, आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा, एकदम पिज्जा जैसा ही ये होगा। और अगर नहीं आपके बच्चों को चीज पसंद है तो आप प्लेन ही बना दीजिए। हमने इसे थोड़ा मोटा मोटा क्रश किया है, यानी थोड़ा मोटा मैंने इसे पीसा है, क्योंकि मुझे सिलबट्टे वाला फ्लेवर चाहिए। अगर आप पतला पीसना चाहते हैं तो थोड़ा सा ग्राइंडिंग यानी मिक्सर और चला दीजिए। देखिए चीज़ डालने पे कितना टेम्पटिंग लग रहा है, और आप इसके अंदर चाहें तो और वेजीज भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप इसे ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस के साथ खा सकती हैं। बहुत ही बाहर से क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होगा। उम्मीद है आपको हमारी ये मसूर की नाश्ता वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।